आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फरुखाबाद में बढ़ते संक्रमण पर प्रशासन तैयार, नाइट कर्फ्यू का पालन कराने में जुटी पुलिस। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जुटी पुलिस, बड़ी खबर सामने आ रही है। रात 10 बजे के बाद प्रशासन कर रहा पैदल गश्त, पुलिस बल के साथ माइक लेकर पैदल गश्त। सामाजिक दूरी के पालन की प्रशासन ने की अपील, दुकानदारों से बिन मास्क सामान न देने की अपील। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी। फरुखाबाद में बढ़ते संक्रमण पर प्रशासन तैयार, बड़ी खबर सामने आ रही है। नाइट कर्फ्यू का पालन कराने में जुटी पुलिस, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जुटी पुलिस। रात 10 बजे के बाद प्रशासन कर रहा पैदल गश्त, पुलिस बल के साथ माइक लेकर पैदल गश्त कर रहे। सामाजिक दूरी के पालन की प्रशासन ने की अपील, दुकानदारों से बिना मास्क सामान न देने की भी की गई अपील। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। फरुखाबाद में बढ़ते संक्रमण पर प्रशासन अलर्ट, नाइट कर्फ्यू का पालन कराने में जुटी पुलिस। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जुटी पुलिस, रात 10 बजे के बाद प्रशासन कर रहा पैदल गश्त, पुलिस बल के साथ माइक लेकर पैदल गश्त। सामाजिक दूरी के पालन की प्रशासन ने की अपील, दुकानदारों से बिना मास्क सामान न देने की अपील। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी। फरुखाबाद में बढ़ते संक्रमण पर प्रशासन तैयार, नाइट कर्फ्यू का पालन कराने में जुटी पुलिस। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जुटी पुलिस, रात 10 बजे के बाद प्रशासन कर रहा पैदल गश्त, पुलिस बल के साथ माइक लेकर पैदल गश्त। इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं। सुंदरम, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए? जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, इसको पालन कराने के लिए जनपद फरुखाबाद की पुलिस गश्त करती है। और जनपद फरुखाबाद पुलिस, जब से उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा वो गाइडलाइन जारी की गई है, अलर्ट जारी किया गया है, तो जैसे रात 10 बजते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान है मुस्तैदी से वो गश्त करते हैं और गली और मोहल्लों में भी जाकर देखते हैं कोई दुकान खुली ना हो। दुकानदारों से निर्देश दिए जाते हैं साफ साफ कि आप रात 10 बजे के बाद कोई भी दुकान ना खोलें और 10 बजे से पहले जो दुकानें खोली जाए उनमें सामान उन्हीं दुकानदारों द्वारा उन्हीं लोगों को दिया जाए जो मास्क लगाए हो। बिना मास्क किसी भी व्यक्ति को सामान ना दिया जाए और साथ ही साथ रात 10 बजे के बाद सख्ती से नाइट कर्फ्यू का पालन किया जाए। अगर कोई भी दुकानदार नाइट कर्फ्यू का पालन ना करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे सुंदरम, जो घूमने की जगह है, जो टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे क्या लोग मास्क लगा के चल रहे हैं? जी, अभी तक जो लोग हैं उनमें इतनी जागरूकता या इतनी सतर्कता नहीं आई है। कह सकते हैं कि जो लोग हैं भी इन चीजों को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ जनपद फरुखाबाद में भी रोज कम से कम मरीज निकल रहे हैं और मरीजों की संख्या बढ़ रही है निरंतर, लगभग 20 के करीब मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और मरीजों के निकलने का जो खतरा बना हुआ है, मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो जाम जनता है, जो टूरिस्ट प्लेस हो गए, जाए भीड़ भाड़ वाली जगह हो गई, मार्केट में, वहां पे अभी तक अधिकतर लोग मास्क का प्रयोग करने से बच रहे हैं या मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुंदरम जुड़े थे फरुखाबाद से। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी का अयोध्या दौरा आज। 12 बजे जीआईसी मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी, बड़ी खबर सामने आ रही है। जीआईसी मैदान के पंडाल में वितरित करेंगे सामान, पहले अवध विश्वविद्यालय में होना था कार्यक्रम, लगभग आधे घंटे जीआईसी मैदान में रहेंगे सीएम योगी, बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज सीएम योगी अयोध्या दौरे पर रहेंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है। 12 बजे जीआईसी मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी, बड़ी खबर सामने आ रही है। जीआईसी मैदान के पंडाल में वितरित करेंगे लैपटॉप टैबलेट, और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं अयोध्या से। राघवेंद्र, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल शिखा, अयोध्या में तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है, और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो 12 बजे के लगभग में पहुंचेंगे, जो कि मौसम सुबह से ही मौसम खराब चल रहा है, बूंदाबांदी हो रही है, तो इसको देखते हुए प्रशासन जो है दुरुस्त है, और जीआईसी मैदान में वहां पहुंच के टैबलेट बांटेंगे और लैपटॉप बांटेंगे,
इसको लेकर के प्रशासन पूरा मुस्तैद हो गया है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी तो कितनी देर चलेगा सीएम योगी का ये कार्यक्रम और क्या संबोधन भी देंगे सीएम योगी? जी बिल्कुल, बता दें कि आधे घंटे का इनका पूरा प्रोग्राम है जीआईसी मैदान में और जो वहाँ के विद्यार्थियों को और मेधावी छात्रों को जो भी लैपटॉप और ये टैबलेट वितरण किया जाएगा तो उनके अभिभावक रहेंगे और जनता भी रहेगी, कुछ कार्यकर्ता भी रहेंगे जो कि वहाँ पे जन संबोधन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी ये प्रस्तावित नहीं हुआ है लेकिन जन संबोधन के लिए बात की जा सकती है। जी राघवेंद्र, कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम योगी आज जब मौजूद रहेंगे वहाँ पे काफी भीड़ भी देखने को मिलेगी, तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कैसे करवाया जाएगा? देखिए, जिला प्रशासन जो है कोरोना को लेकर के एक पूरी तरीके से यहाँ पे मौजूद हालात को देखते हुए, क्योंकि लगातार कोरोना जिस तरीके बढ़ रहा है पूरे प्रदेश में तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरा मुस्तैद हो गया है और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग जो है, स्वास्थ्य महकमा जो है, वो पूरी तरीके से पूरे जिले में सैनिटाइजेशन और मास्क वितरण कर रहा है। और उसके बाद आपको बता दें कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ का अगर आज दौरा है, 12 बजे वो पहुंचेंगे, तो इसको लेकर के जिला प्रशासन जो है सबसे पहले वो कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए बोला है जी। और उसके बाद जो है वो मास्क लगा करके और सैनिटाइज करके वहाँ पे अंदर प्रवेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे से संवाददाता राघवेंद्र जुड़े थे अयोध्या से। हरिद्वार में पैर पसार रहा कोरोना, बड़ी खबर सामने आ रही है, 6 महीने बाद 65 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत। स्वास्थ्य विभाग ने महिला की मौत की पुष्टि, बड़ी खबर सामने आ रही, 6 माह बाद जिले में सबसे अधिक केस। कोरोना के 134 मामले आए सामने, बड़ी खबर सामने आ रही है, हरिद्वार में कोरोना के 36 मरीज मिले। लक्सर में 3, रुड़की में 55, बहादरा में भी मिले मामले, कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 222। हरिद्वार में पैर पसार रहा कोरोना, बड़ी खबर सामने आ रही, 6 महीने बाद 65 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।